Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello and welcome to testbook.com. So, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, that is the famous dance or the famous dance form of different states. यानी कि कई बार हमें ऐसे questions मिलते हैं कि particular dance जो है, वो किस state का? या कि ये जो dance है, बिहूट जो dance है, वो किस state को belong करता? कुछ इस तरह की क्वेरी हमें मिलती है. तो फोक डांस की जो रिकमेंडेशन है, फोक डांस की जो टॉपिक है, वो हर स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा हिट लिस्ट पे होते हैं. तो आज उन्हीं फोक डांस को हम ट्रिक के थ्रू समझेंगे, या हम उसको याद करने के लिए एक ट्रिक्स का यूज करेंगे. पर्टिकुलर स्टेटमेंट होगा जिसमें आपके डांस छुपे होंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले स्टेट दैट इज आंध्र प्रदेश से. देखिएगा, आंध्र प्रदेश के लिए आपको केवल एक स्टेटमेंट याद रखना है, दैट इज अंधेरे की पूरी काली. अंधेरे की पूरी काली, अंधेरे की पूरी काली, अंधेरे से मतलब हो गया आपका आंध्र प्रदेश. ठीक है, देन आफ्टर पूरी से हो गया कुचिपुड़ी, ये एक डांस होता है. ठीक है, कुचिपुड़ी. और काली से हो गया आपका कोल अट्टम, कोल अट्टम. ठीक है, तो ये जो डांस है यानी कि कोलट्टम और कुचिपुड़ी, ये जो दो डांस है, ये आपके आंध्र प्रदेश के हैं. तो आंध्र प्रदेश का केवल एक स्टेटमेंट आप याद रखोगे, अंधेरे की पूरी काली, अंधेरे मतलब आंध्र प्रदेश, पूरी यानी कि कुचिपुड़ी, काली यानी कि कोलट्टम. क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं. नेक्स्ट स्टेट है अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश का एक डांस है, दैट इज बार दो छम. बार दो छम इज द डांस ऑफ अरुणाचल प्रदेश. तो ट्रिक क्या है? ट्रिक इज अरुण को मार दो धम्म से. मतलब कि अरुण यानी कि हो गया आपका क्या? अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, और मार दो को आप कर दो क्या? बार दो. ठीक है, और धम्म को आप कर दो छम. तो बार दो छम, तो अरुणाचल प्रदेश अरुण को मारो धम्म से. आंध्र प्रदेश क्या था? अंधेरे की पूरी काली. क्लियर है? नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट इज असम. असम के जो डांस है, वो डांस होता है एक तो बिहू. ठीक है, असम का डांस है. देन आफ्टर बागर रुम्बा, बागुर रुम्बा, ये भी एक डांस जो है, ये आपका असम का. तो बागुर रुम्बा और बिहू दोनों को याद कैसे करोगे? कि असम की बहू जुम्बा में झूमी, यानी कि जो असम हो गया आपका स्टेट, बहू को आप कर लोगे क्या? बिहू. तो असम की बहू यानी कि बिहू, जुम्बा में झूमी यानी कि बागुर रुम्बा, रुम्बा सिमिलर टू जुम्बा, तो रुम्बा और जुम्बा ये सिमिलर वर्ड हो गए, झूमी नॉर्मल झूमी. क्लियर है? सो आंध्र प्रदेश अंधेरे की पूरी काली, कोलट्टम कुचिपुड़ी, देन आफ्टर अरुणाचल प्रदेश का क्या था? कि आपका अरुण को मारो धम से यानी कि बार दो छम. देन आफ्टर असम क्या? तो असम की बहू जुम्बा में झूमी. क्लियर? तो यहाँ पे बिहू और बागुर रुम्बा. ओके, बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट इज झारखंड. झारखंड के जो डांस फॉर्म है, वो डांस फॉर्म है आपके छाऊ, ठीक है, एंड कर्मा नाच. कर्मा नाच, ये दो डांस होते हैं आपके झारखंड के. तो यहां पर जो झारखंड का स्टेटमेंट है, दैट इज झाड़ू. झाड़ू यानी कि एक तरह से झा झा सिमिलर, तो किसको रिप्रेजेंट कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया झारखंड को. ना छुओ को हो गया यहाँ पे का जो वर्ड है, दैट इज हो गया कर्मा. ठीक है, झाड़ू को मतलब कर्मा, और छुओ मतलब हो गया छाऊ, छाऊ. ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक डांस फॉर्म. किस स्टेट का? झारखंड का. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट आपका स्टेट है गोवा स्टेट. गोवा स्टेट के जो डांस फॉर्म होते हैं, वो मैं आपको पहले बता देती हूँ, दैट इज फुगदी, ये एक डांस है, और साथ ही साथ देखनी. ठीक है, ये भी एक डांस है आपके कहां का? गोवा का. तो गोवा के लिए जो वर्ड, जो स्टेटमेंट आपको याद रखना है, दैट इज गुफा देखने चलो. गुफा यानी कि एक तरह से होगा गोवा. ठीक है, यहां पे फा जो हो गया, इसी वर्ड से आप याद रख लो फुगदी. ठीक है, और देखनी यानी कि देखना. क्लियर है बात? तो गुफा देखने चलो स्टैंड फॉर किसके लिए? गोवा के लिए. और गोवा के डांस फॉर्म कौन से है? एक आपका फुगदी, एक आपका देखनी. ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज गुजरात. गुजरात के डांस फॉर्म आपको बहुत अच्छे से पता है, एक तो होता है आपका गरबा,
ठीक है, एंड एक होता है आपका डांडिया रस। ये होते हैं दो डांस फॉर्म। स्टेटमेंट केवल एक याद रखना है, गुजरी गरीबी डंडा मारे, गुजरी गरीबी डंडा मारे। गुजरी यानी कि एक तरह से हो गया क्या, गुजरात, ठीक है। देन आफ्टर गरीबी से हो गया आपका क्या, गरबा, ठीक है। और डंडा से हो गया क्या, डांडिया रस, ठीक है। गुजरी गरीबी डंडा मारे, तो गुजरात हो गया गुजरी, गरीबी हो गया गरबा, और डंडा यानी कि डांडिया रस। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का एक डांस फॉर्म दैट इज नाची, ठीक है। ये एक डांस फॉर्म वहां का होता है। तो सिंपल सा, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी छोटी सिस्टर का नाम ही नाटी है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे मैंने उसको बोल दिया कि भाई चल नाटी, कहा हिमाचल प्रदेश, या हिमाचल प्रदेश चल नाटी। तो नाटी ये जो हो गया हिमाचल प्रदेश का एक डांस, दैट इज नाटी, ठीक है। या चल से आप याद कर लो, हिमाचल और नाटी, क्लियर है। इसको जैसे आप मोल्ड करना चाहो, ये बहुत सिंपल है, ये नॉर्मली भी याद हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कर्नाटका। बहुत फेमस है ये स्टेट, क्योंकि इस स्टेट का डांस काफी बार आता है। सिंपल एक वर्ड, एक स्टेटमेंट याद रखना है, दैट इज कर्ण में यज्ञ ज्ञान, कर्ण में यज्ञ ज्ञान। तो यहाँ पे जो कर्ण है ये हो गया आपका क्या, कर्नाटका। यज्ञ ज्ञान जो हो गया ये इस डांस फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, और कर्नाटका के डांस फॉर्म का नाम है यक्ष ज्ञान, ठीक है। यक्ष ज्ञान, तो ज्ञान यक्ष ज्ञान, कर्ण में ज्ञान, या आपके कर्नाटक में यज्ञ ज्ञान, ठीक है, समझ आया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज केरला स्टेट। ये भी आपके पेपर्स में पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। तो जो केरला स्टेट है, इसके लिए आपके जो डांस फॉर्म है, पहले मैं वो बताती हूँ। तो याद रखोगे, एक तो मोहिनी अट्टम, ठीक है, और दूसरा होगा कथकली। ये दो डांस फॉर्म। तो स्टेट क्या होंगे, तो स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट होगा केरला की कली मोहिनी, केरला की कली मोहिनी, यानी कि केरला से केरला हो गया, कली से हो गया आपका क्या, कथक कली, और मोहिनी से हो गया मोहिनी अट्टम। वेरी इजी, केरला की कली मोहिनी, ऐसा हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश स्टेट। मध्य प्रदेश के दो डांस फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एक होता है जवारा और दूसरा होता है मटकी। ऐसा नहीं है कि ये इतने ही स्टेट, इतने ही डांस फॉर्म है, बहुत सारे डांस फॉर्म भी होते हैं, लेकिन यही क्यों, तो आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनमें ऑलमोस्ट ये डांस फॉर्म ज्यादातर पूछे गए हैं, इसीलिए इन पर स्ट्रेस है। चलिए, मध्य प्रदेश के लिए एक स्टेटमेंट याद रखना है, दैट इज एमपी की मटकी में ज्वार। ज्वार देखा होगा आप लोगों ने, ज्वार एक टाइप का क्रॉप होता है, फसल होता है, तो वही बोल रहा है कि एमपी की मटकी में ज्वार। एमपी यानी कि हो गया मध्य प्रदेश, मटकी यानी कि मटकी डांस, और ज्वार जवारा जो है वो हो गया ज्वार के लिए, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र नेक्स्ट स्टेट है, बहुत सिंपल डांस, दैट इज लावणी। ये डांस होता है यहाँ का, और ये डांस के लिए एक स्टेटमेंट, दैट इज मा यानी कि महाराष्ट्र, लाओ लाओ यानी कि लावणी। तो ला से आप याद रख लो लाओ, और महाराष्ट्र के याद रख लो मा, क्लियर, होप सो। अभी जितने पढ़ लिए हैं उतने आपको समझ में आए होंगे, लेकिन एक दो बार रिवीजन जरूर करिएगा ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। मतलब आप जब भी स्टेटमेंट बोलो ना, या आप कोई स्टेट आपसे कोई बोल दे, तो आपके मुंह से सीधे वो स्टेटमेंट निकल आए, इतना इसको रिवाइज कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है उड़ीसा स्टेट या ओडिशा स्टेट। ओडिशा स्टेट के जो डांस फॉर्म है, उनके डांस फॉर्म है आपके, एक तो होता है छाऊ, ठीक है, और दूसरा होता है बाघ नाच, बाघ नाच, ठीक है। तो छाऊ और बाघ डांस के लिए या बाघ नाच के लिए आप जो स्टेटमेंट याद रखोगे वो ये, हाओ बाघ ओढ़नी ओढ़ के घूमा, ठीक है, हाओ बाघ ओढ़नी ओढ़ के घूमा। हाओ से याद रखोगे छाऊ, हाओ से क्या याद रखोगे, हाओ छाऊ रिजेंबल सिमिलर है, ठीक है, ठीक है। देन आफ्टर ओडिशा से याद रखोगे उड़ीसा, ये ओढ़नी जो है ये आप याद रखोगे उड़ीसा के लिए। देन आफ्टर बाघ नाच यानी कि बाघ से याद रखोगे क्या, बाघ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हाउ बाघ ओढ़नी ओढ़ के घूमा, इसको मैं रिपीट करती हूँ, हाउ से एक डांस याद रखोगे दैट इज छाउ, बाघ से डांस याद रखोगे बाघ नाच, और ओढ़नी से याद रखोगे उड़ीसा के लिए है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट आपके डांस फॉर्म है पंजाब स्टेट के. पंजाब स्टेट के जो डांस फॉर्म आते हैं वो कौन कौन से हैं, देखें यहाँ. एक तो वर्ल्ड फेमस दैट इज भांगड़ा, ठीक है. देन आफ्टर गिद्धा, और उसके बाद आता है आपका किकली. ये डांस फॉर्म होंगे आपके पंजाब के. तो ट्रिक क्या होगी, ट्रिक होगी 5 गिद्ध ने भांग खाकर किकी चैलेंज लिया. अभी बहुत फेमस हुआ था किकी चैलेंज, सबको पता होगा, इवन आप में से कई लोगों ने ट्राई भी किया होगा. तो इसी से हमने ट्रिक फ्रेम करी है कि 5 गिद्ध ने, 5 गिद्ध यानी कि पंजाब, आपको पता होगा कि पंजाब को 5 रिवर सिटी भी कहा जाता है, 5 नदियों का नगर भी कहा जाता है ना. तो 5 गिद्ध ने, ठीक है, गिद्ध से क्या हो जाएगा, गिद्ध से हो जाएगा गिद्धा, ठीक है. भांग खाकर यानी कि भांगड़ा, भांग यानी कि भांगड़ा, ठीक है. किकी यानी कि किकली, क्लियर है. तो 5 गिद्ध ने भांग खाकर किकी चैलेंज लिया, इस फॉर द पंजाब स्टेट. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज राजस्थान. सबको पता है राजस्थान का एक डांस दैट इज घूमर. और घूमर के लिए आप चाहो तो कोई ट्रिक भी यूज नहीं करो, चाहो तो कर भी लो. तो राजघराना घूमा, राजघराना यानी कि राजस्थान, घूमा यानी कि घूमर, सिंपल. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट स्टेट इज तमिलनाडु. बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे रिलेटेड डांस फॉर्म बहुत आते हैं. तो तमिलनाडु का जो डांस फॉर्म है दैट इज, एक तो है आपका भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, और दूसरा है आपका काली अट्टम, ठीक है. तो यहां पे कैसे इसको याद रखोगे, स्टेटमेंट होगा भरत, भरत एक व्यक्ति है, तमिलनाडु से कोयला लाया, ठीक है. फैक्ट पे मत जाना कि तमिलनाडु में कोयला नहीं होता एंड ऑल. तो भरत तमिलनाडु से कोयला लाया, भरत से हो गया भाई क्या, भरतनाट्यम. तमिलनाडु आपको स्टेट याद करने के लिए हेल्प करेगा, और कोयला से हो गया काली अट्टम, क्लियर है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं यूपी. नेक्स्ट स्टेट है, सो यूपी स्टेट का जो डांस फॉर्म है वो डांस फॉर्म होता है एक तो मयूर नृत्यम या मयूर नृत्य, ठीक है, और दूसरा है रासलीला. ये हैं इसके दो डांस फॉर्म. तो यूपी के लिए जो स्टेटमेंट याद रखना है, उत्तर में यानी कि नॉर्थ में, उत्तर में मयूर की रासलीला. तो उत्तर से आप याद रखोगे उत्तर प्रदेश, मयूर से आप याद रखोगे मयूर नृत्य, और रासलीला से आप याद रखोगे रासलीला, सिंपल. सो हियर वी कंप्लीट कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट एंड देयर फोक डांस और देयर डांस फॉर्म. सो इसको एक बार और रिवाइज करिएगा ताकि ट्रिक्स आपके माइंड में सेट हो जाए. हैप्पी दिवाली टू ऑल, थैंक यू.